नमस्कार, मैं हूं आपकी जानकारी के बारे में। आप देख रहे हैं इस वक्त हो गया है देश के ज्यादा कुछ खास खबरों का। तमिलनाडु में ब्लैक फंगस संक्रमण के अब तक 3,300 मामले सामने आए हैं, जबकि इससे 122 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री सुब्रमण्यम ने मंगलवार को जानकारी दी। उन्होंने लोगों से इस रोग के समय पर उपचार के लिए मेडिकल परामर्श लेने की भी अपील की है। इस रोग को म्यूकोरमाइकोसिस नाम से भी जाना जाता है। इसका खतरा देश में लगातार अभी भी बना हुआ है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत अब कर्नाटक के राज्यपाल हो गए हैं। आज ही उन्हें वहां का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। नए संवैधानिक पद की नई जिम्मेदारी के कारण अब वो अपने बाकी सभी राजनीतिक पदों से इस्तीफा भी देंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक आज शाम 7 बजे जेईई मेन के तीसरे और चौथे चरण की परीक्षाओं को लेकर अहम घोषणा कर सकते हैं। निशंक ने इसकी जानकारी ट्वीट के जरिए दी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल कर तीसरी बार सूबे की कमान संभाल रहे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और भाजपा के बीच का मनमुटाव अब भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ममता बनर्जी ने मंगलवार को भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर चुनाव आयोग ने भाजपा की मदद नहीं की होती तो वक्त की सीट भी नहीं जीत पाती। साथ ही ममता बनर्जी ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में जनता ने नारा खेलो होबो को खूब सराहा है, इसीलिए अब राज्य में खेला दिवस भी मनाया जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा को लेकर हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सरकार के सूत्रों ने इसकी पुष्टि की है। बता दें कि सरकार ने चारधाम यात्रा 1 जुलाई से चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिले से शुरू करने का फैसला लिया था, लेकिन हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। इसके चलते सरकार को भी SOP में संशोधन कर नई गाइडलाइन जारी करनी पड़ी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को बीजेपी से नजदीकियों पर लेकर दिलचस्प बयान दिया है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि बीजेपी शिवसेना 30 साल तक गठबंधन में रहे, तब कुछ नहीं हो पाया, तो अब क्या होगा। मेरे दोनों तरफ ये दोनों बैठे हैं, बाला साहेब थोराट और अजित पवार, मैं इनके बीच से उठकर कहां जाऊंगा। 70 करोड़ की MDMA मामले में फरार 4 आरोपियों को क्राइम ब्रांच ने मुंबई से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में एक महिला आरोपी भी शामिल है और पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई है। मुंबई के उपनगर कुर्ला में स्थित एक बैकरी में मंगलवार दोपहर भीषण आग लगी, लेकिन अभी तक किसी के हताहत होने की कोई भी खबर नहीं मिली है। दमकल विभाग के एक अधिकारी ने जानकारी दी है। महाराष्ट्र के थाने जिले में मधुमक्खियों के काटने से 15 साल के लड़के की मौत होने के बाद उसके परिजन ने इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए यहां के एक अस्पताल में हंगामा किया है। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी है। शहर के पुलिस नियंत्रण कक्ष से एक अधिकारी ने बताया कि थाने शहर के राबोरी इलाके में रहने वाले लड़के पर सोमवार को मधुमक्खियों ने हमला कर दिया था, जिसके बाद उसकी मौत। उपनगर मुलुंड स्थित एक यार्ड में मंगलवार सुबह एक मालगाड़ी के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए। हालांकि मेन लाइन पर लंबी दूरी की ट्रेनों और लोकल ट्रेनों का आवागमन प्रभावित नहीं हुआ। मध्य रेल के एक अधिकारी जानकारी दी है। मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिवाजी सुपार ने बताया कि घटना में कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ है। प्रदेश में खास खबरों के लिए जुड़ी रही। नमस्कार।